तो आप मीट खिला सकते हो या चिकन हार्ट खिला सकते हो, जैसे रिप्स ऑफ कैटफिश ऑफ 8 इंच का रिप्स ऑफ कैटफिश है, गोल्डन वेनेजुएला कोरिडोरस, वेनेजुएला कोरी, वो भी एल्बिनो रेड फायर ईल, ये आज सस्पेंस बना रही है। नेक्स्ट वीक तक हम लोग नहीं, एक्चुअली हम लोग एक अरवाना पकड़े हैं नदी से, उसको हम अभी कलरिंग कर रहे हैं, उसको पेंट कर रहे हैं, तो उसका रेड पेंट पूरा हो जाएगा, फिर धूप में सुखा के उसको हम पानी में छोड़ देंगे और उसका ही डेमो जॉय देगा। तो आज इन ऑनिस एक्वा का और एक नया वीडियो में हम लोग कहाँ पे, हम लोग है फिर से, हम लोग आए हुआ है एट ग्लेन एक्वेटिक्स, जो कि है कोलकाता का एक बहुत ही रिनाउन और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के फिशेज रखने वाला एक स्टोर। और आज आपका आया हुआ है बहुत ढेर सारे नया और रेयर फिशेज, तो चलिए दिखाते हैं आपको सभी रेयर फिशेज, तो जुड़िए रहेगा हमारे वीडियो से। तो हेलो राजदा। हाय। तो राजदा आज फिर काइंडली बोलिएगा ना कि आपके पास फिर क्या क्या नया जो स्टॉक्स, खास करके रेयर स्टॉक्स आया है आज, जो नया स्टॉक्स आए हैं वो सब जो है, वो देखिए को आज का स्पेशल फिश मैं दिखा रहा हूँ, दैट इज SRM सुपर रेड मंकी। सुपर रेड मंकी, या ये फिश भी मॉन्स्टर है, अकेला रहना होता है। और इसका जो कलर है ये देखिए, रेड मतलब रेड होगा, आप अगर सामने देखते हो थोड़ा आपका ऑरेंजिश टाइप लगेगा, लेकिन दूर से देखने से प्रॉपर रेड ही लगता है। इसको यानी पूरा अकेले टैंक में अकेले ही आपको रखना, हाँ अकेले रखना होता है। तो ये एक्चुअली इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये फ्लावर हॉर्न बेस है, हाँ उस कैटेगरी का रहता है ये, बट दिस क्वाइट एक्सपेंसिव। तो दोस्तों आप लोग को कुछ भी एकदम बहुत ही रेयर फिशेज चाहिए तो डेफिनेटली डू कॉन्टैक्ट ग्लेन एक्वेटिक्स। यहाँ पर एल्बिनो सिल्वर अरवाना आया है, इस 12 इंच 14 इंच 16 इंच एल्बिनो पाकू आया है, और मॉन्स्टर में आया है आपका एरापाइमा आया है, रेटेल एरापाइमा, दीज आर ट्रूली मॉन्स्टर, आप देख सकते हो। एल्बिनो पाकू का जो साइज है ये आपका 7 इंच का साइज में है, 7 इंच प्लस। हम लोग का एक तो शॉर्ट बॉडी पुराना जो मच्छी है, एक तो शॉर्ट बॉडी एल्बिनो अरवाना है, और उसके साथ साथ नया नॉर्मल एल्बिनो अरवाना आया है। और ये एरापाइमा का साइज क्या होंगे? ये आपका 1.5 फुट, 1.5 फुट तो होंगे, 1.5 फुट प्लस है। मिनिमम टैंक साइज चाहिए आपको 4 to 5 feet, मिनिमम 4 to 5 feet टैंक साइज चाहिए। डाइट में उसको आप मीट खिला सकते हो या चिकन हार्ट खिला सकते हो, और अदरवाइज प्रॉन खिला सकते हो, बट मीटी फूड इज नेसेसरी फॉर दिस। और कुछ रेयर स्टॉक्स में से? रेयर स्टॉक्स में से अभी है देखिए आबा आबा, इज द आबा आबा फिश। आप लोग ब्लैक घोस देखते हो, फेदर्स जिसे बोलते हैं वो सब देखते हो, लेकिन दिस द आबा आबा। इसका देखिए ऊपर का जो पेक्टोरल फिन है वो जैसे स्लाइड कर रहा है, क्या मोरललेस 1 फिट का है, या 1 फिट का आबा आबा है, ये भी मॉन्स्टर है। और ये कोई काफ़ी मॉन्स्टर है कि इसीलिए इसको अकेला एक तो जगह पर रखना पड़ता है। इसके साथ हम लोग और क्या क्या फिशेज रख सकते हैं? आबा आबा के साथ हाल फिलहाल छोटे में, जब आबा आबा छोटा होगा उसके साथ आप कोई भी बड़ा फिश रख सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आबा आबा बढ़ते जाएगा वो अगर 2 to 3 feet हो जाता है उसके साथ कुछ नहीं रख सकते। अपार्ट फ्रॉम आबा आबा आपको दिखाते डीप सॉ कैटफिश,
रिप्सो कैटफिश ऑफ 8 इंच का रिटफॉक रिप्सो कैटफिश है, और उसके साथ है आपका एक तो एम्परल हिल ट्राउट है, और दिस इज एम्परल हिल ट्राउट, और उसके साथ है जो शॉर्ट बॉडी फ्लैक्टेल है, शॉर्ट बॉडी अमेरिकन फ्लैक्टेल। यानी सबका सब फिशेज ही थोड़ा बहुत अनकॉमन फिशेज है डेफिनेटली। देयर इज गोल्डन कोरिडोरस, गोल्डन वेनेजुएला कोरिडोरस, ये भी तो काफी रेयर फिश है। हां रेयर ही है। देयर इज ब्लैक ब्लैक वेनेजुएला कोरी, ब्लैक वेनेजुएला कोरी, ओके, दिस इज आल्सो प्रीटी रेयर, बहुत रेयर फिश है, बहुत कम देखने को मिलता है, दे आर वेरी फ्यू फिशेस। और एक रेयर फिशेस हम लोग देखेंगे दैट इज रेड फायर ईल, Red, ये लगभग 1 फीट का है, एंड दैट इज अ ट्रूली मॉन्स्टर। ये कितना बड़ा मैक्सिमम साइज, ये मेरा देखा हुआ है ये 3 फीट तक का, 3 फीट, ये छोटा में ऐसे रह जाएगा, लेकिन जब बड़ा होगा तो उसको टैंक मिनिमम 4 फीट टैंक चाहिए। और तो यानी कि ये इसको जैसे आपका रिप्सो कैटफिश, फिर ये एनापाइमा, ये सब के साथ रखा जा सकता है। हाँ, ये सब के साथ भी रखा जा सकता है। ओके, ऑल आर मॉन्स्टर, ये अपार्ट फ्रॉम दिस लवली सुपर स्पॉटेड सेब्रम है। उसके साथ देखिए एक तो जगुआर भी छुपा हुआ है, वो एक्चुअली जगुआर है, स्पॉटेड इतना बड़ा है 7 इंच प्लस, तो जगुआर थोड़ा छोटा हो गया। या देखेंगे कुछ ये तो किंग ऑफ पैरेट रेड मेमोन का साइज का पैरेट है, ये भी कुछ मोटा मोटा 8 इंच, ये नहीं ये 10 इंच का है, 10 इंच का। एंड पास में ही आपका है टाइगर पैरेट्स एंड नॉर्मल पैरेट्स, नॉर्मल पैरेट्स और टाइगर पैरेट्स से मिक्स किया हुआ रखा हुआ है। आप हम लोग का यहाँ पर आ सकते हैं, कोई भी अरवाना किसी टाइम भी आपको चाहिए, सिल्वर एल्मिनो सिल्वर आरटीजी हाई बैग सुपर हाई बैग कुछ भी चाहिए, रेड रेड अरवाना चाहिए, सुपर रेड चाहिए, सब आपको ग्रीन अरवाना चाहिए, क्रॉस बैग चाहिए, आपको सभी मिल जाएगा। और दोस्तों आज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप इतना दिन ऑनिस एनिसेको को देख रहे हैं, मुझको देख रहे हैं, दूसरा और भी वीडियो देखते हैं, ग्रीन एक्वाकल्चर को पसंद करते हैं, आज पसंद करते हैं, यहाँ से चीज़ खरीदते हैं, आपका घर में पेट अच्छा है, इसीलिए हम लोग दिन ब दिन सालों दर साल काम कर रहे हैं। तो आज मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, ग्लेन एक्वाटिक्स को जो होता है वो ग्लेन एक्वाटिक्स से मुझसे नहीं होता, से मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, ग्लेन एक्वाटिक्स में और भी आदमी है जो ग्लेन एक्वाटिक्स को ग्लेन एक्वाटिक्स बनाता है, तो हम उन लोगों को बुला लेते हैं। सुना जो ट्रिगनस कैट है, ये भी थोड़ा बहुत अनकॉमन भी थोड़ा कैटफिश है, एंड देयर इज अ ह्यूज साइज एलिगेटर गार्ड, ये एलिगेटर गार्ड है, इसका तो साइज पूरा बड़ा 1.5 फुट तो। हाँ, आप थोड़ा डेमो देख लीजिए, ऊपर में हाथ दीजिए, अब बस कुछ नहीं, बस 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 और कुछ नहीं, डेमो देख लिए, ये तो डेमो दिखाते हुए भी थोड़ा डर लग रहा है, मेरा उंगली निकल ना जाए। ये घर ग्रेन एक्वाटिक्स नहीं है, ये सुरजीत है, हेलो सुरजीत दा, ये आनंद है, हेलो आनंद दा, एंड ये जॉय है, हेलो जॉय दा। तो जो मेरा जो मॉन्स्टर वगैरह है
वो जॉय संभालता है। आप लोग को सिर्फ इतना ही बोलना है कि जब आप जैसे हम लोगों को शेयर करते हो, हम लोगों को देखते हो, इसका भी वीडियो शेयर करो, इसका भी फॉलोअर बढ़ाओ। ये ग्लेनेकोटिस का पूरा मच्छी देता है, और कोई भी कांटेक्ट होगा स्पेशली मॉन्स्टर फिश का, इससे कांटेक्ट करो। अरवाना जो भी आपका मेनली जो मेरीन फिशेस वगैरह है उसके लिए आप श्रुजीत को कॉन्टैक्ट करो, उसका जो ब्लॉग्स है उसको देखो, उसका जो वीडियो है उसको सहारो, क्योंकि मैं यहाँ पर वन स्टॉप, अगर मेरे बात कोई भी ग्रैंड एक्वाटिक से मेरीन का बात बोलता है तो श्रुजीत बोलता है। आनंद यहाँ पर टोटल काम करता है, टोटल मैनेजमेंट में है, वो पूरा दिखाई देखभाल करता है। तो हम लोग ये चार आदमी है ग्रैंड एक्वाटिक खड़ा कर रहे हैं, आप लोगों का दुआ रहेगा तो और बड़ा होगा ग्रैंड एक्वाटिक्स। और आप लोगों को और एक बात बताना चाहते हैं, एक तो सरप्राइज़ है जो जॉय आपके लिए लाएगा नेक्स्ट वीक ग्रैंड एक्वाटिक्स में, तो वो आप वो जॉय पूरा डेमो देगा, क्योंकि मेरा डेमो तो आप रोज सुनते हो, तो वो वाला डेमो जॉय देगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अभी सस्पेंस बना रहा है, सस्पेंस बना रही है। एक्चुअली हम लोग एक अरवाना पकड़े हैं नदी से, उसको हम अभी कलरिंग कर रहे हैं, उसको पेंट कर रहे हैं, तो उसका रेड पेंट पूरा हो जाएगा, फिर धूप में सुखा के उसको हम पानी में छोड़ देंगे और उसका ही डेमो जॉय देगा। तो यानी दोस्तों एक अंदाज आपको मिल गया होगा, तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीक तक। अच्छा राजदा इतना बोलिएगा कि फिर आप लोग को ये फिशेस खरीदने के लिए कोई भी आप लोग को कॉन्टैक्ट करना चाहे तो क्या क्या नंबर में कॉन्टैक्ट करें? नंबर में कॉन्टैक्ट 7003183747 तो यानी दोस्तों आप लोग तीनों में से कोई भी एक नंबर पे कांटेक्ट करना कर सकते हो अगर आप लोग को चाहिए ये रेयर फिशेस ऑफ ग्लेन एक्वाटिक्स। और लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, ग्लेन एक्वाटिक्स राज का नहीं है, ग्लेन एक्वाटिक्स सबका है, ये सब रहेगा तब ग्लेन एक्वाटिक्स रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। कि हर सदस्य एक फैमिली का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो और इधर में लोकेशन क्या है, कैसे आएंगे? ये ढाकुरिया स्टेशन का नज़दीक है, विद इन 100 to 150 मीटर्स फ्रॉम ढाकुरिया स्टेशन। ठीक है, ओके, तो आज तक इतना ही। तो आप देख लीजिए कैसा लगा आपको वीडियो, और मेरा कलर वाला जो जॉय जो कलर कर रहा है अभी मच्छी को, उसको देखने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिएगा। थैंक यू, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आई वाइंड अप टुडेज वीडियो एंड नेक्स्ट वीक तक बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, मैं भी आऊँगा ग्लेन एक्वाटिक्स में। ये जो अरवाना का लाल कलर पेंटिंग करने वाला बात बोला है तो मेरा भी बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ गया है, तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीक तक। थैंक यू।